हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सारे सुरक्षित होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। दोस्त हमेशा की तरह हीरोगी सिने टीवी एक बार फिर से स्वागत करता है आपका आपके अपने इस यूट्यूब फैमिली में, जहाँ हम सेलिब्रिटी से जुड़े हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। वेल दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी हीरोइन के पर स्टेज शो चार्ज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि यह अभी एक स्टेज प्रोग्राम करने का कितना पैसा लेती है। तो दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले बात करें आम्रपाली दुबे के स्टेज शो चार्ज के बारे में। तो आपको बता दें कि अभी यह एक प्रोग्राम करने का लगभग 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करती है, जो किसी भी बड़े भोजपुरी सेलिब्रिटी के बराबर है। वेल आपको बता दूं कि यह ज़्यादा प्रोग्राम और फिल्म निरहुआ के साथ करना पसंद करती है, जिसे दर्शकों भी काफ़ी देखना पसंद करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट के अगले नंबर स्थान पर है मधु शर्मा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कुछ खास नाम नहीं कमा पाई है, लेकिन फिर भी इस अभिनेत्री के फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। वेल अगर वहीं बात करें इनके एक स्टेज शो प्रोग्राम के फीस के बारे में, तो अभी निधि शर्मा एक प्रोग्राम करने का तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती है। वेल भाई और उनके प्यारी भाभियों, हमारे इस लिस्ट के अगले नंबर स्थान पर है मोनालिसा, जो फिलहाल भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना चुकी है, लेकिन फिर भी यह किसी भी भोजपुरी हीरोइन से कम नहीं। आपको बता दें कि इनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर है और मोनालिसा एक स्टेज प्रोग्राम करने का 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करती है, जो किसी भी बड़े सुपरस्टार के बराबर है। वेल गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज जल्द से कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट को देखकर हम हमेशा ऐसे ही एपिसोड लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस भोजपुरी हीरोइन के नाम के लिस्ट में अगला नाम निकल कर आता है अक्षरा सिंह का, जो भोजपुरी सिनेमा के एक बेहतरीन अभिनेत्री में से एक है और इस समय यह एक स्टेज शो करने का लगभग 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करती है। वेल आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह एक अच्छी गायिका भी है, जो अपने मधुर आवाज से अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में धूम मचाती रहती है। दोस्तों हमारे इस लिस्ट के अगले नंबर हीरोइन है रानी चटर्जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती है। आपको बता दें कि इनका सबसे पहला भोजपुरी फिल्म ससुरा वाला पैसा वाला था, जो काफी हिट भी रहा था और उस फिल्म ने इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई थी। वेल अगर वहीं बात करें इनके स्टेज शो चार्ज के बारे में, तो हम आपको बता दें कि अभी यह कोई भी प्रोग्राम करने का लगभग 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करती है। गाइज इस लिस्ट में शामिल सबसे लास्ट नाम निकल कर आता है काजल अगवानी का, जो एक स्टेज प्रोग्राम करने का तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए लेती है। वेल आपको बता दूं कि काजल अगवानी भोजपुरी इंडस्ट्री की अब तक के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली हीरोइन है और यह अधिकतर फिल्म खेसारी लाल यादव के साथ ही करती है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी देखा भी जाता है। तो दोस्तों यही थे कुछ भोजपुरी हीरोइन के एक स्टेज प्रोग्राम करने का फीस। होप करता हूँ यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वेल आपको बता दूं कि यह जानकारी मैंने भी इंटरनेट के माध्यम से लेकर ही आपको बताया है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाद बाकी कमेंट कर अपने पसंदीदा कलाकार के बारे में जरूर बताएं। वेल मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना।